आप गर्लफ्रेंड मटेरियल नहीं हो, पता है? ऐसा थप्पड़ मारूंगी गाल में, तुम इतनी बड़ी झूठ मार रहे मेरे यहाँ खड़े खड़े। भाई कुछ भी हो, लग तो भाई ये प्यारी रही आज। हाँ? तुम आओगे ना तुम्हें बताना पड़ेगा किस काम से आए। ट्रेन में साड़ी फंस गई मेरी। अबे जल्दी करो, पीछे करो थोड़ा, आगे पीछे। चलो ये बताओ कटी नहीं, ये तो धुल जाएगा, कटी नहीं, शुक्र। लोग देखो ये वाले शूज लेके आए थे कल हम जूडियो से, बताओ कैसे लग रहे हैं व्हाइट शूज। और भाई ये जो व्हाइट शूज पहन के जा रहा हूँ ना मैं अभी बाहर, पता नहीं मुझे मौसम कैसा है, पता लगे काले हो जाए, पर चलो फटाफट चलते हैं और मिलता हूँ मैं आपको सीधा मोटो ब्लॉक पे। सो भाई फटाफट चलते हैं, मौसम चेक करो भाई, मौसम बढ़िया हो रहा है एकदम। कवर डालो उसको फटाफट, देखना कवर ही फट गया। निकलो भाई से पहले कि बारिश पड़ जाए। भाई फाइनली निकल के भाई आ गए हम रोड पे, और भाई मैं जा रहा हूँ रितु को रिसीव करने, और भाई रितु की सोसाइटी के पास ही बहुत ही प्यारा मंदिर है, ठीक है? लास्ट टाइम एक बार हम गए थे तो मुझे लगा कि वहीं चलना चाहिए, तो चलो आपको भी वहाँ पर दर्शन कराते हैं। और भाई आपको पता ही भाई जब भी हम कहीं जाते हैं खुराफात तो करते हैं। सो गाइस मैं आप लोगों से भाई यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आपको वो वीडियो अच्छी लगती है, मेरे प्रैंक्स अच्छे लगते हैं, तो भाई आप ना मुझे और प्रैंक सजेस्ट करो कि भाई मैं और कौन से प्रैंक लेके आऊँ। आप लोग भाई कमेंट करके सजेस्ट करा करो, जिससे कि मैं आप लोगों के सजेशन पढ़ सकूँ और उन पर काम कर सकूँ, क्योंकि आप लोग सजेस्ट करोगे तो भाई अच्छा लगेगा मुझे। इसलिए भाई मैं हर वीडियो में कहता हूँ भाई कमेंट करके बताया करो मुझे कि मैं कौन से प्रैंक्स लेके आऊँगा ना। भाई मौसम चेक कर रहे हो आप, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है भाई, कावड़ियों के चक्कर में भीड़ भी बहुत ज़्यादा लग रही है। फटाफट से चलते हैं, पहले रितु को करते हैं भाई रिसीव, और भाई मजाक भाई आज मैं प्रैंक क्या करने वाला हूँ उसके साथ, वो तो भाई वहीं पे पता लगने वाला है, वहीं पता चलेगा, है ना? आप बस पूरा ब्लॉग चेक करना है ना। सो गाइस रितु से मेरी बात हो गई है भाई, रितु मुझे वहीं पर मिलने वाली है जहाँ पर भाई मंदिर है, नियर मंदिर, क्योंकि भाई इसके घर के पास में ही है। तो फिर मैंने कहा चलो उसको तो भाई नीचे उतर के आना है, और ये देखो, ये भाई देखो ऐसा लग रहा है ना ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, ये देखो ये खड़ी पागल लड़की। ओहो क्या बात है, क्या बात है, आज तो साड़ी में तो बहुत प्यारे लग रहे हो आप। पहली बार देखा मैंने साड़ी में, अच्छी लग रही है ना साड़ी में। अरे है हरी चूड़ी क्यों पहनी आपने? अरे है सावन में शुभ, बस अपनी साड़ी जो है ना भाई वो थोड़ा बचा के बैठना क्योंकि उसमें फंस सकती है, ठीक है? हाँ भाई सोच रही थी यार सावन महाशिवरात्रि मंदिर चलेंगे। जल्दी चलो फटाफट बैठो फटाफट। क्या हुआ है? ट्रेन में साड़ी फंस गई मेरी। अबे जल्दी करो पीछे करो थोड़ा। हेलो हेलो यार ये बड़ा समस्या रहती है, देखा ना ए यार ये तो कांड हो गया। शुक्र करो फटी नहीं है, गंदी हुई है बस, वो फॉल निकल गई, वो तो मैं लगा लूँ, मम्मी की साड़ी है, मम्मी मार देगी मुझे जान से। चलो अच्छा मैं पकड़ लेती हूँ। यार ये बड़ा पंगा रहता है इस साड़ी के साथ ना, मैंने बोला था ना तुमको पीछे करके बैठो। दिखा पहले तेरी साड़ी, दिखा मुझे, और तेरी चोट तो नहीं लगी कहीं? है देखना पूरी साड़ी खराब हो गई, क्या यार सीन है। वो तो ठीक है ना, आज कावड़ का आखिरी दिन है, महाशिवरात्रि घर में बहुत लोग थे, पड़ोसों के उनके आए, फिर मैंने सोचा 5 मिनट के लिए तुम चले जाओगे कोई फायदा नहीं। वो तो यार पंगा हो गया ना, मैं पता है अभी मुझे लग रहा है इसकी ना, कोई नहीं मुझे लगी नहीं है, बस साड़ी मेरी चैन सोसाइटी में जाने की एंट्री नहीं। हाँ पता है मुझे, लेकिन मंदिर जाने के लिए कोई मना नहीं करता। रिलेटिव से कॉल करवाओगे तब जाने की परमिशन है, मेरी सोसाइटी में यही है। तुम आओगे ना तुम्हें बताना पड़ेगा किस काम से आए। भाई कुछ भी हो, लग तो भाई ये प्यारी रही आज, है ना? हाँ साड़ी में तुम्हें दिक्कत नहीं, साड़ी में लग तो क्यूट रही है, क्यूट एंड स्वीट सी लग रही है। बाल नहीं खोले मैंने। मैं देखो मेरे बाल कैसे हो रहे हैं। और मांग रही है बोले बाबा से देखो। हाँ सो गाइस फाइनल दर्शन कर लिए फटाफट से, क्योंकि भाई ऑफिस भी निकलना है मुझे, तो मैंने जल्दी जल्दी फटाफट, और रितु को भी जाना है कहीं, बहुत जल्दी जल्दी केस है। क्या मांगा तुमने वर? फिर क्या मांगा? कुछ नहीं, तू बताओ।
मंदिर अच्छा बना हुआ है पीछे, हमारी बाइक कहाँ खड़ी करी हमने, चलो बाइक लेते हैं चलते हैं यहाँ से फटाफट, उसके बाद करता हूँ। ओ भाई एक कांड हो गया था भाई, बाइक अपनी गिर गई थी, तो बाइक जो है यहाँ से देखो ये है टूट गई है, देख रहे हो गिर गई थी तो ये चटक गया, ये टूट गया, नुकसान हो गया भारी। हाँ साड़ी से फंसती भाई, साड़ी से फंस जाती क्योंकि बाहर से भी कितनी गंदी हो गई, बाहर से गंदी तो होनी है क्योंकि तुम्हें ज्यादा गंदी हो गई यार, देखना। चलो ये बताओ कटी नहीं, ये तो धुल जाएगा, कटी नहीं, शुक्र उड़ा दे तोते, उड़ा दे तुम्हारी मम्मी, चले फटाफट चलो निकलते हैं गाइस फटाफट से ना। कॉल किसका आ रहा भाई? मम्मी का आ रहा है। मम्मी कॉल क्यों? अरे मैं बोल के आई थी मैं भी 10-15 मिनट में आ रही हूँ, कहीं इतनी देर लगती है सच्ची? सोसाइटी के पास ही तो है। उठाना मत उठाना मत उठाना मत, देख तो नहीं लगी मम्मी ने मैं? कट गया। चलो चलो जल्दी चलो, ठीक है चल जल्दी फटाफट। भाई इसकी मम्मी का कॉल आ गया, टेंशन हो गई मुझे तो, मुझे कभी आंटी से भी मिलवाओ यार। अबे जाओ आंटी से मिलवाओ। अरे सच्ची मैं बता रहा हूँ, आंटी से मिलवाओ तो सही कभी मुझे, मिलने वाले ढंग तो कर लो, कर लो मिलवाओ। अब इसमें ढंग क्या होते हैं मिलने वाले, मतलब मैं आंटी से मिलवाओ, मुझे आंटी से, आंटी से थोड़ी बातचीत करूँगा थोड़ा, कब मिल पा रही आंटी से ये बताओ पहले। टाइम होता ना तुम्हें ऑफिस नहीं जाना होता तो हम ना चाय पीने चलते कासा। हाय कासा किसी और दिन पियेंगे चाय। हाँ मौसम यार पता है, मैं ये मेरी ऑडियंस मुझे सपोर्ट करे यार तो मैं जॉब छोड़ू ना, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ ये मेरी ऑडियंस मुझे सपोर्ट करे, मैं जॉब छोड़ूँ सिर्फ व्लॉगिंग करूँगा मैं, फिर सिर्फ व्लॉगिंग। तो गाइस आप लोग चाहते हो कि भाई मैं जॉब छोड़ दूँ, भाई सपोर्ट करो अपने भाई को, आपका भाई जॉब छोड़ देगा भाई बहुत जल्दी। या मुझे पता है यार जितना मैं बाहर अर्न कर रहा हूँ वो उतना मैं आप लोगों की वजह से, मैं आप लोगों की सपोर्ट से मैं उतना अर्न करने लगूँगा गाइस, तो मैं जाहिर सी बात है मैं फिर आप लोगों के लिए कॉन्टेंट शूट करूँगा फिर। तुमने एक चीज़ देखी, भोले बाबा ने अपने पास बुला ही लिया भाई, ये तो है कैसे कैसे गए ना, जैसे तैसे बुला ही लिया भाई। जब ना मैंने ये चीज़ देखी रही तो फिर ना जब भोले बाबा बुलाते हैं ना, और ये देखो भोले बाबा के दूत खड़े हैं यहाँ रास्ता रोक के हमारे, है ना, जब उन्हें बुलाना होता है वो बुला ही लेते हैं भाई, ये तो है। केदारनाथ मेरा भाई ड्रीम है, केदारनाथ जाने का गाइस, और किस किस का ड्रीम है, इसका भी है मेरा भी। देखो कहते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारे जन्मों की इतनी चाक यात्रा जो कुछ भी है वो केदारनाथ चले जाओ, जीवन सफल हो जाएगा। ये तो है, जीवन में तुम्हारे कोई रिग्रेट नहीं है, बिल्कुल ये बात सही कह रहे हो आप। वो ना ऐसे बीच में फंसा, ऐसे बीच में मंदिर है वहाँ देखते इंसान ये कहता है यहाँ के लोग रहते कैसे, बिल्कुल भाई वहाँ जन्नत है पता है। चलो क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? मैंने यार कुछ ऑब्जर्व किया, आप उतरो पहले फटाफट से। क्या हुआ, क्या ऑब्जर्व किया भाई? मंदिर में ना, मंदिर में सुनो, मैंने मंदिर में ना मुझे ये लगा कि भाई आप एक तो आज साड़ी पहन के आए हो, बहुत प्यारे लग रहे हो आज मुझे, ठीक है तो आप मुझे पसंद भी करते हो। किसने का? मैंने अच्छा तुम मुझे पसंद नहीं करती, सच्ची बताना। अरे चलो छोड़ो पसंद वसंद की, छोड़ो पसंद वसंद क्या करना है यार, पता है मैंने ना आज एक चीज़ फील की मंदिर में आपके साथ कि ना आप गर्लफ्रेंड मटेरियल नहीं हो, पता है आप गर्लफ्रेंड बनाने लायक नहीं हो, लायक नहीं, गर्लफ्रेंड बनाने लायक नहीं हो आप, पूछो क्यों? आप गर्लफ्रेंड के रूप में अच्छे नहीं लगोगे पता है, इसीलिए मुझे लगा नहीं आप गर्लफ्रेंड बनाने लायक हो नहीं। अब पूछो तो सही मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, तुम इतनी बड़ी झंड मार रहे हो मेरे यहाँ खड़े खड़े, इसलिए तुमने यहाँ गाड़ी रोकी, तुम्हें अब लेट नहीं हो रहा? अरे मेरी बात तो सुनो मम्मी, ठीक है भाई बनाने लायक नहीं तो मत बनाओ ना, मैं तुमसे कौन सा कह रही हूँ मुझे गर्लफ्रेंड बना लो। अरे भाई गुस्सा, अब एक तो गुस्सा बहुत जल्दी जाती हो, अरे मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि आप गर्लफ्रेंड बनाने लायक मटेरियल नहीं हो, लेकिन आप वाइफ मटेरियल बनाने लायक मटेरियल हो, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। चलो आज भाग के शादी करते हैं, चलो पागल हो क्या? सच में मैंने एक चीज़, अरे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है यार सच में, मैं ना चाहता हूँ मेरा आज पता है, मैं सोचा था यार फैमिली वैमिली को कौन मनाएगा यार, चलो शादी करते हैं, बहुत लोग करते हैं हम भी कर लेंगे। अच्छा आप में शादी कर लोगी? आप में शादी कर लोगी? ऐसा थप्पड़ मारूंगी गाल में,
अरे मैं सच में कह रहा हूँ भाई, सीरियसली कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारा हर बार प्रैंक चलने वाला नहीं है, शादी कोई हलवा नहीं, तुमने बोला मैं चल दूंगी, हर बार तुम्हारा प्रैंक नहीं चलेगा ठीक है। वो तुम्हारी आंखों से पता चल रहा है, दांत दिखा रहे हो अंदर अंदर मास्क के अंदर। चलो जल्दी मम्मी का कॉल आ गया। अरे सच्ची बोल रहा हूँ मैं, दिमाग मत खराब करो, मम्मी का कॉल आ गया, छोड़ो तुम भी जाओ। आज तो प्रैंक बस्टेड हो गया भाई अपना, तो हर बार तुम्हारा थोड़ा ना प्रैंक चलेगा। चलो फटाफट चल रहे हैं, आओ चलो चलो जल्दी। हर बार प्रैंक सक्सेसफुल नहीं हो सकता, हर बार तो प्रैंक सक्सेसफुल हो जाएगा। आज पता क्या चल गया, मैं प्रैंक कर रहा हूँ तुम्हारी आंखों से पता चल रहा है, ये मास्क लगा लेते ना, हंसते तो आंखें छोटी छोटी हो जाती है। ओए होए, चलो अब जल्दी, चलो भाई चलो फटाफट बैठो जल्दी भाई, आज प्रैंक बस्टेड हो गया भाई, प्रैंक करना रॉन्ग हो गया अपने साथ है रिदु, प्रैंक करना रॉन्ग हो गया ना। बहुत स्मार्ट समझते हो अपने आप को। अरे मैं स्मार्ट, मैंने कब कहा जल्दी जल्दी आई हूं गाइस। मैं सोच रहा था यार इसको बोलूंगा भाई शादी करने चलते हैं, चलो ऐसे करके ठीक है, आप लोगों को पता है प्रपोज तो किया नहीं मैंने उसको, भाई पता चल गया तुरंत ही भाई। अब साड़ी मुझे मेरे आग लग रही है मेरे आँख। ध्यान से फिर से मत फंसा लेना। सो गाइस आज का प्रैंक भाई बस्टेड हो गया भाई। सोचा नहीं था भाई मैंने। सो होपफुली गाइस ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब कर देना भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं भी। सो गाइस चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट डे के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।